किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आज की ताज़ा अपडेट और ताज़ा रिपोर्ट के बारे में। किसान भाइयों, इंदौर मंडी की जो फाइनल अपडेट है वो हमारे पास आ चुकी है, क्योंकि किसान साथियों आज हड़ताल वाले दिन अनाज मंडी जो थी किसान साथियों वहाँ पर अनाज मंडी नहीं खुली हुई है। आज के दिन इंदौर मंडी में किसान साथियों जो सब्ज़ी मंडी है ओनियन का नीलामी रिपोर्ट है वो हमारे पास अपडेट होकर आ चुका है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको सारी सटीक जानकारी सटीक अपडेट के साथ बताऊंगा। चलिए किसान भाइयों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अनुरोध है आपसे, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जैसे ही कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुँचेगा। किसान साथियों, मेरा नाम है अनुराग, आप देख रहे हैं अपने छोटे भाई का यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अनुराग। तो चलिए जान लेते हैं आज की ताज़ा अपडेट और ताज़ा रिपोर्ट के बारे में। किसान भाइयों, अगर नीलामी रिपोर्ट की बात करें तो ऊपर में VIP जो माल है वो किसान साथियों 2100 रुपये देखने को मिला है फाइनल अपडेट में। सुपर माल की अगर बात करें तो 1900 रुपये से लेकर 2000। लड्डू माल की अगर बात करें तो 1500 रुपये से लेकर 1800 रुपये। और गोल्टा माल की अगर बात करें तो 1200 रुपये से लेकर 1400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से देखने को मिला हुआ है। छोटे छठन मिक्स प्याज की अगर बात करें तो 700 रुपये से लेकर 1100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से देखने को मिला हुआ है। और अगर आवक की बात करें तो 28 से लेकर 30,000 कट्टे की जो आवक है वो देखने को मिली है। ऑल ओवर मंडी की स्थिति की बात करें तो आज के दिन किसान साथियों सामान्य तौर पर देखने को मिली हुई है।